नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। जीके फॉर एग्जाम का ये 54 पार्ट है और वर्बल जीके विद ट्रिक का ये फर्स्ट पार्ट है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको याद करने के मेथड पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसके समय में कृषि विभाग की स्थापना हुई या की गई। तो जो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन क्वेश्चनों को याद करने के लिए, क्योंकि जो ऑप्शन है वो भी सेम से ही है। तो हम कैसे याद करें, कैसे लिंक करें, उस पर आते हैं। तो हम जानते हैं जो कृषि विभाग होता है वो काफ़ी कर्ज का मामला होता है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होती है जैसे कि किसान, वो भी काफ़ी कर्ज में ही रहते हैं, सुसाइड करते हैं काफ़ी किसान। तो देखो याद कैसे करें हम, उस पर आते हैं। देखो दोस्तों, अदालत का सीन याद करें आप, कोर्ट का सीन याद करें, तो क्या होता है कि जो वकील होता है वो जज से क्या कहता है कि माय लॉर्ड। तो हम लॉर्ड वहाँ से ले लेते हैं। तो हम एक छोटी सी लाइन बनाते हैं। देखो दोस्तों, माय लॉर्ड मैंने कर्ज लेकर कृषि विभाग खोला, या हम ये भी कह सकते हैं कि माय लॉर्ड मैंने कर्ज लेकर कृषि की, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो, माई लॉर्ड से हमने लॉर्ड ले लिया, लॉर्ड, क्योंकि इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड वहाँ से इसको, लॉर्ड को ही डिनोट करता है। और मैंने कर्ज लेकर, तो कर्ज जो है वो कर्जन को डिनोट करता है। माई लॉर्ड मैंने कर्ज लेकर कृषि विभाग खोला, तो आपका आंसर इसमें आ जाता है। हम याद रह जाएगी ये लाइन, मैं जानता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है कि फरक्का नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो ऑप्शन है वो है गंगा, कृष्णा, गंडक, सतलज। तो इसका आंसर जो है वो गंगा नदी है। याद कैसे करिए, उस पर आते हैं। हाँ, हमको करना क्या है, देखो दोस्तों, जो गंगा के ऊपर काफ़ी अब सफाई अभियान भी चल रहा है, शायद टारगेट जो है 2020 का है, तक का है। तो इसको क्या करते हैं, कैसे याद करते हैं कि फरक्का नदी किस जो घाटी परियोजना है किस नदी पर है, उसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ कि फर्क क्या पड़ता है। तो क्या को हम का पढ़ लेते हैं, फरक्का। फर्क क्या पड़ता है, इसको हम फरक्का पढ़ लेते हैं कि फर्क का पड़ता है तुमको, गंगा को आप कितना भी गंदा करो। फर्क का पड़ता है तुमको, तुम गंगा को कितना भी गंदा करो, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, क्लीन इंडिया। तो जो आंसर, जो ऑप्शन है 2017, 2020, 2019, 2018। तो देखो दोस्तों, जो यदि हम दो चीज़ों में डिफरेंस देखते हैं, जो सेम सी दिखने वाली चीज़ में डिफरेंस निकालते हैं और थोड़ा सा ही फर्क दिखता है उनमें, तो हम कहते हैं कि 19-20 का ही फर्क है। तो हम उससे ही इसको याद कर लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो 2019 है। तो हम कैसे याद करें कि मोदी ने भारत को स्वच्छ कर दिया, स्वच्छ अभियान चला भी है पीछे से, तो मोदी ने भारत को स्वच्छ कर दिया, बस 19-20 का फर्क है। मतलब क्या है, हमने आगे पीछे कर दिए हैं ये पैर 19 और 20 का। 2019 को में से 19 को हमने पहले बोल दिया है और 20 को बाद में। तो 19-20 का फर्क है, मतलब 2019 इसका जो आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सियाचिन जाने वाले पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था इनमें से कौन। ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है मनमोहन सिंह। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर आते हैं। तो हम एक लाइन पढ़ लेते हैं कि मन मोह लिया, ऐसे करके मनमोहन को हम क्या कर लेते हैं, मन मोह लिया जब सिया, मतलब पिया, सिया चीन गए पहली बार, मतलब मन मोह लिया जब सिया गए, सिया मतलब पिया, पिया मतलब सिया, सिया का मतलब सियाचिन, सियाचिन को, सिया चीन गए पहली बार, सियाचिन। देखिए मनमोहन, मन मोह लिया जब सिया चीन गए पहली बार, मतलब ये लिंक होता है दोस्तों। आप याद ना करें इसको, बस आपको याद आ जाएगा जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, सिया चीन, सिया मतलब सिया चीन गए पहली बार, सिया मतलब पिया, समझ लो।
तो सियाचिन गए पहली बार, सियाचिन देश हो गया वहां से सियाचिन, और मनमोह से हमने मनमोहन ले लिया, मतलब मनमोह लिया जब सिया गए चीन पहली बार सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसकी जो ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ है, इसमें ऑप्शन है बम्बई। तो इसको याद करने के है मेथड कि 1885 में जिसका पहला अधिवेशन हुआ था, 1886 में कलकत्ता में हुआ था, ये याद करने की मैं आपको बता भी देता हूँ, आप याद करें। जैसे कि बक मई बकना, बक मई मैंने कई साल पहले याद किया था, मुझे आज भी याद है कैसे, कि बक मई बकना, बी से बम्बई, के से कलकत्ता, मै से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर बे से बम्बई, फिर के से कलकत्ता, फिर नै से नागपुर, बकना नागपुर। ये अधिवेशन थे 1885, 1886, 1887, 1888, ऐसे 87, 88, ऐसे करके ही सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन आता है विजय किलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है, इनमें से किससे है? व्यापार सुधार से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व विनिवेश से, या कर सुधारों से? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो इसको याद कैसे करें उस पर आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कर सुधारों से। तो इसको याद कैसे करें कि विजय ने कर को लेकर समिति बनाई, विजय ने कर को लेकर समिति बनाई। तो विजय केलकर को देखो, विजय केलकर है, इसमें कर है, आप इसमें भी एक चीज देख सकते हैं, विजय केलकर, तो लास्ट में इसमें एक कर आता है, तो हम इसको सीधा इसको विजय केलकर, देखो आप इसे समिति को पढ़ेंगे विजय केलकर, तो विजय ने कर को लेकर, विजय ने कर को लेकर समिति बनाई, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, याद रह जाएगा ये। क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? जो ऑप्शन है वो है कोसी, घाघरा, चंबल, गोमती। तो आपका जो आंसर है वो चंबल है, लेकिन याद कैसे करें उस पे आते हैं। तो हम एक छोटी सी चीज देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, हम जानते हैं कि जवाहर गांधी से पूछकर आ, कि नेहरू जो प्रधानमंत्री थे पहले, उसने गांधी से ये कहा कि किसी को कि जवाहर गांधी से पूछकर आ कि राणा कब चंबल गया था, कि राणा को मैंने यहाँ पर क्यों चंबल बोला है, कि राणा महाराणा प्रताप मान लेते हैं, कि राणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप कई वर्ष जंगल में घूमे थे, घास की रोटी खाई थी, हम जानते हैं स्टोरी, तो वो ठीक यहाँ पर ऐड होता है कि जवाहर ने क्या कहा, कि जवाहर गांधी से पूछकर आ, किसी ने कहा कि नेहरू से कहा कि जवाहर गांधी से पूछकर आ कि राणा कब चंबल चंबल गए थे, मतलब कि चंबल चंबल नदी, और ये जवाहर का मतलब जवाहर सागर, और गांधी से गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों इसमें इंक्लूड होगी कि जवाहर गांधी से पूछकर आ कि राणा कब चंबल गए थे, या आप ऐसे भी कह सकते कि गांधी जवाहर से पूछकर आ कि राणा कब चंबल गए थे, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी भी लगा सकते हैं फोर्थ ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। हम याद कैसे करें, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो एक बनाने की इच्छा थी, लेकिन मैं इसमें ही बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट वे में आप राइट कर लें, एक बार लिख लें कि एक छोटी सी पोइम को याद कर सकते हैं कि इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय, बापू के राज बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी उभय चौधरी किसान। दोबारा हम एक बार देख लेते हैं कि इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी उभय चौधरी किसान। तो देखो दोस्तों, इंद्र की शक्ति, अब आते हैं हम कि इंद्र की शक्ति मतलब इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। जग में समता,
तो जग जीवन राम की जो समाधि स्थल है वो उसको क्या बोलते हैं, समता स्थल। तो वीर है राजीव, तो मतलब कि जो राजीव गांधी का जो स्थल है वो क्या बोलते हैं उसको, वीर भूमि। जो समाधि स्थल है उसको वीर भूमि बोलते हैं। लाल विजय मतलब लाल बहादुर शास्त्री को क्या का जो समाधि स्थल है उसको विजय स्थल बोलते हैं, विजय घाट या विजय स्थल। इसके बाद बापू करे राज मतलब राजघाट, राजघाट पर क्या है, बापू किसको बोलते थे, महात्मा गांधी को। तो बापू महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है, राजघाट। और चाचा रहे शांत मतलब शांतिवन, और चाचा किसको कहते थे, नेहरू को कहते थे। तो शांतिवन में किसके समाधि स्थल है, चाचा नेहरू का। और मेरी उभय, मेरी उभय मतलब मोराजी देसाई जो है उनका जो समाधि स्थल है वो क्या है, उभय घाट। मेरी उभय चौधरी किसान, जो चौधरी चरण सिंह के जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, चौधरी किसान मतलब किसान घाट। पर जो समाधि स्थल है वो किसका है, चौधरी चरण। इनसे इनके अलावा जो है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं और किन किन का है। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, के आर नारायण का है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है। चेतरा भूमि बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको याद किया है, हो सकता है कि आप भी ऐसे याद कर पाए। कि इसके जो ऑप्शन है, मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। जो इसका आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। तो जो एक फिल्म है जुड़वा, जो शाहरुख खान सलमान खान की जो फिल्म है, उसमें एक गाना आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक सॉन्ग है। उसने सलमान खान ने अपने मुंह से एक बात कही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ईस्ट वेस्ट ऐसे करके एक गाना है। तो सलमान खान ने मुंह मतलब मोहम्मद, मुंह जो मोहम्मद से मुंह ले लिया, से एक बात कही है। तो हम कई बार पोइम में यूज भी करते हैं, जब लिखते हैं एक को हम इक लिखते हैं, इक। तो मुंह से इक एक बात कही है, मुंह से एक बात कही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद से मुंह, मोहम्मद रिक से इकबाल। तो किसने कहा है, सारे जहां के जो रचयिता है वो कौन है, मोहम्मद इकबाल, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि कबीर के शिष्य कौन थे, कबीर के शिष्य कौन थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानंद, चैतन्य, रामदास। तो इसका जो आंसर है वो है रामानंद। इसको याद कैसे करें, वैसे इसको एक छोटी सी लाइन से याद कर सकते थे, लेकिन दूसरी लाइन मैंने जानबूझकर इसमें ऐड की है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन रह सकता है। क्योंकि राम से रामानंद भी बनता है और रामदास भी बनता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा और ऐड किया इसमें पहले। वैसे ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, कभी राम बनके, हम एक क्वेश्चन एक भजन पढ़ते हैं, कभी राम बनके, कभी श्याम बनके चले आना, प्रभु जी चले आना। तो हम क्या पढ़ते हैं, कभी राम बनके। तो कभी को कभी पढ़ लेते हैं, राम से रामदास या रामानंद बना सकते थे हम। कबीर राम बन के मतलब कबीर के रामानंद शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे रामानंद के, सॉरी। तो कबीर राम बन के और कभी श्याम बन के, ये मैंने साथ में इसलिए जोड़ा क्योंकि श्याम का मतलब क्या होता है, नंदलाल। श्याम को क्या बोलते हैं, नंदलाल भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप नंद ले सकते हैं और कभी राम से आप राम ले सकते हैं, और कभी कबीर को डिनोट करता है, मतलब कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, मतलब नंद हमने श्याम से ले लिया क्योंकि श्याम को क्या बोलते हैं, नंदलाल। तो नंद वहां से ले लिया और राम से राम ले लिया हमने, रामानंद यहां से हो सकता है। और कभी राम बनके, कभी का मतलब कबीर, तो कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। अच्छा दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके याद हुई हो, कुछ लिंक ऐड हुआ हो आपसे दिमाग में सेट हुआ हो, आप याद ना करें, आप सिर्फ पढ़ें इसको और ऐसे लिंक करें, आपको याद रह जाएगा। क्योंकि जीके फुली
ट्रिक भूली जा सकती है, आराम से भूल जाती है, लेकिन जो लिंक है वो हमेशा माइंड में सेट हो जाता है और कभी ना कभी आपके आगे जब क्वेश्चन आता है तो वो लिंक आपको याद रह जाता है। तो अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वैसे मैं एक बात और बता दूं अंत में जाते हुए कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अब देखा है, काफ़ी देखा है कि जो अब सीजन पीछे चला है, बुखार, कई दोस्तों के बुखार हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कभी भी बुखार नहीं आएगा पूरी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात और, आप सर्दी में खूब खाएं, जमकर खाएं, खूब वेट गेन करें। मैं आपको पतला होने का जो एक मेथड बताऊंगा, आप कैसे पतला हो सकते हैं। हर 15 दिन में आपका 2 से लेकर 3 किलो वेट कम हो सकता है, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि आप सर्दी में कोई ऐसी चीज़ ना करें, सर्दी में खूब वेट गेन करें। गर्मी आने दें, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेट को कम कर सकते हैं। और कई दोस्त, मैं जानता हूं कि कई दोस्त, मैंने देखा भी है कि कई दोस्त नींबू पीते हैं पतला होने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप नींबू का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपको इतना बड़ा नुकसान होता है क्या कि फॉर एग्जाम्पल, हम पतला होना और कमज़ोर होना दोनों अलग अलग बात है। आप पतले तो होते हैं लेकिन आपके अंदर इतनी कमज़ोरी आ जाती है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जो हर ज्वाइंट है उसमें पेन रहना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये गारंटी की बात है कि मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, ये मेरा आपसे दावा है। आपको कभी लाइफ में बुखार भी नहीं आएगा। एक हिसाब से कि बीमार होना भी अच्छा ही रहा है मेरे ख्याल से, मेरे वे से। क्यों? क्योंकि यदि अब पीछे का जो सीजन है, इतने लोग बीमार नहीं होते तो उनको नहीं पता चलता कि बकरी का दूध भी इतना पौष्टिक होता है, या गिलो की बेल इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये आपको बुखार नहीं होने देती। लेकिन मैं आपको अपने नए चैनल में ये बताऊँगा कि आप क्या चीज़ करें कि आपको लाइफ में कभी भी बुखार ना हो। चलो दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं वो अपना चैनल एक्टिव करूंगा। मैं बना चुका हूं वो चैनल, लेकिन उसमें मैंने वीडियो नहीं डाली है। अच्छा दोस्तों, जय हिंद।